कौन जीते कौन हारे आओ मिलके देख सारे टीवी और फिल्मी सितारे हिप 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 भोरे हिप 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 भोरे हिप 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 भोरे होरे होरे हिप 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 भोरे हिप 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 भोरे हिप 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 भोरे होरे होरे आप तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात को हम प्रोग्राम हिप्पी भुर्रे में खुश आमदीद कहते हैं। असल में होता ऐसा है कि जो ख़वातीन होती है ना हमारी फीमेल आर्टिस्ट जितनी हमारी हैं वो तैयारी में बड़ा टाइम लेती हैं, तो तैयार होती हैं फिर वो घर से चलती हैं फिर यहाँ आती हैं, तो वो ज़रा ख़वातीन का हक है ये कि वो इतना तैयारी में टाइम लें। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, देखें बेचारे कैमरामैनों को देखें ऐसे मुंह पे खड़ खड़ करके आ गए। आप बहरहाल आप सबका ताबून मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह, आप आज प्रोग्राम को बहुत इंजॉय करेंगे ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आज का प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्रामों की तरह दो टीमों पर मुश्तमिल है। इस दोनों टीमों के दौरान में हम अपने पब्लिक आइटम्स भी रखे हैं जिसमें हम आपको भी शामिल करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं कहूंगा हिप हिप, आप कहेंगे हुर्रे हिप 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 हिप। हाँ ये हुर्रे ऐसा हुर्रा चाहिए। हम अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहले मैं फिल्म की टीम को आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले फिल्म की टीम और फिर उसके बाद टेलीविजन की टीम। फिल्म की टीम में हम जो फिल्म का जिक्र करेंगे, एक नौजवान जो फिल्म में आया बहुत ही लकी स्टार, पहली फिल्म सुपरहिट, दूसरी फिल्म भी सुपरहिट, कम काम किया अच्छा काम किया, टेलीविजन के बुनियादी तौर पे फनकार हैं लेकिन हमने उन्हें फिल्म की तरफ से बुलाया है। आपकी भरपूर तालियां, आपके पसंदीदा फनकार तशरीफ ला रहे हैं अयाज नाइक। हिप 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 हिप। हम आपके प्रोग्राम हिप हिप हुर्रे में खुशामदीद कहते हैं। टेलीविजन की तरफ आते हैं। टेलीविजन उनकी पहचान बना क्वेटा सेंटर। हमारे साथ भी कराची में बेशुमार स्टेज ड्रामे किए, उसके बाद लाहौर टेलीविजन से सीरियल की। पहचान टेलीविजन, नाम आपके जहनों में, अपने हाथों को जहमत दीजिए पाकिस्तान टेलीविजन के मकबूल तरीन फनकार ज़ुल्करनैन हैदर। हिप हिप हुर्रे। हम आपको प्रोग्राम हिप हिप हुर्रे में खुशामदीद कहते हैं। आइए ख्वातीन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में चंद ही फनकाराएं ऐसी हैं जो अपने किरदार में खूब जचती हैं। इन्होंने जब भी कोई किरदार किया, जिस किस्म के किरदार करती हैं उसमें ये अपनी मिसाल आप हैं। तशरीफ ला रही हैं आपकी पुरजोर तालियों में शाहिदा अमीनी। हमने आपसे कई प्रोग्रामों में पहले कह चुके हैं कि हम इस प्रोग्राम में जहां पर सुपरस्टार्स को लाते हैं वहां हम नया टैलेंट भी ला रहे हैं ताकि उन लोगों को भी इन बड़े फनकारों के साथ साथ चलने की, बैठने उठने की और आपके सामने आने की उन्हें भी एक शहादत नसीब हो। और आप पे वाजिब है, फ़र्ज है कि आप आने वाले नए फनकारों की बेइंतहा हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि फनकारों की ज़िंदगी में जहाँ दौलत इज्जत शोहरत अहमियत रखती है वहाँ आपके दोनों हाथों के मिलने की आवाज जिसे हम तालियां कहते हैं हम फनकारों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप फनकारों की हौसला अफजाई करेंगे और उन्हें जिंदगी अता फरमाएंगे। इस्तकबाल कीजिए, आ रही हैं हमारी आज की मेहमान टेलीविजन की जानिब से नैना। हिप 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 हिप।
पहला मरहला क्या है जी, आप दोनों ने एक दूसरे की टीमों की तारीफ कर रही है, लेकिन जो मर्द हजरात हैं आप करेंगे शायद अमीनी की तारीफ और अयाज भाई करेंगे नैना की तारीफ। ये भी एक मरहला है और प्रोग्राम का इसमें भी एक पॉइंट है, जीतने के इसमें भी इम्कान हैं। तो सबसे पहले अयाज नाइक तारीफ करेंगे नैना की, तारीफ पे आपने भी नजर रखनी है, कौन बेस्ट करेगा इसकी भी नंबर है। हाँ जी, एक गजल है उसके चंद अशार आपके नाम करता हूँ। आपके नाम करते, नाम ही करना था, कोई प्लाट कर दे। दूर से उनको देखना होगा, दूर से उनको देखना होगा, खेल कुछ यूं ही खेलना होगा। वाह वाह, दूर से उनको देखना होगा, खेल कुछ यूं ही खेलना होगा। लाख समझाएगी खिरद लेकिन कहना दिल का ही मानना होगा। तेरे कहने से पी रहा हूं मैं, लड़खड़ाया तो थामना होगा। वाह वाह वाह, तेरी नजरों से पी रहा हूं मैं, लड़खड़ाया तो थामना होगा, घर जरा बच बचा के जाइयो, रस्ते में पुलिस से सामना होगा। अब हम इस तरफ चलते हैं, इधर के मर्दाने में। संगमरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आ गया खवातीन का नंबर। तो पहले नैना जी, आपने अयाज साहब के लिए कुछ कहना है? माशाल्लाह, अयाज साहब की क्या तारीफ करना। माशाल्लाह जी, को अम्मी जी तारीफ नहीं करती। माशाल्लाह, मेरे बच्चे ने एमए कर लिया है, इंशाल्लाह इसके अबू एलडी में लगवा। जैसे हमारी आवाम भी जानती है कि ये बड़े अच्छे एक्टर हैं, इनकी तारीफ करना मैं समझती हूँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कम है, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे प्ले किए हैं, वैसे भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। हाँ, इस तरफ आइए ना, इधर आइए। माशाल्लाह, इनके मुखड़े का काला काला तिल है और बड़े खूबसूरत है। हाँ, ये बातें करें ना, ये हमें इस पे नंबर मिल लें। ठीक है जी, जब उनका दिल नहीं जा रहा तो रहने दे, क्या जरूरत। तुमने कहा थामना होगा, ये होगा, वो होगा, वहां से तो कुछ भी नहीं हो रहा। इस तरफ आते हैं जी। जुल्कर नैन साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने मेरे साथ टीवी अपना स्टेज प्ले किया है और इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े शरारती आर्टिस्ट हैं। आप बताएंगे किसने बेहतरीन तारीफ की, हाथ का इशारा करता रहूंगा, आप बताते रहेंगे। इस तरफ चलेंगे, अयास शायदा जी, नैना, जुल्कर नैन हैदर, तारीफ के मरहले में हमारी टेलीविजन की टीम जो है वो नंबर ले गई है। थैंक यू। और अब हम बाकायदा से अपने राउंड्स का आगाज करते हैं। हमारा आज का पहला राउंड जो है ये, इसको हम कहते हैं जिग्सो पजल। ये तस्वीर है वैन डैम और ये कौन है, माइकल जैक्सन। माय गॉड, इन दोनों तस्वीरों के हिस्से यहां हैं। आपने नाना, आपने शायदा जी, आपने अपने अपने पार्टनर्स को ये पीसीस देने हैं, पार्टनर ने वहां पर तस्वीर को कंप्लीट करना है। राइट, 1 2 3 स्टार्ट। एक रेस वगैरह दोनों छाट रही हैं, माइकल जैक्सन को छाटा जा रहा है ठेले पे से, ठेले पे माइकल जैक्सन दे यार मजेदार पड़े हैं, वो उठा के ले जा रही है बड़ी खूबसूरती से। तेजी स्पीड रखिए, टाइम बहुत कम है, 1 मिनट आगे पर टाइम है, बहुत सारे ले जाएंगे एक साथ। वेरी नाइस, लग रहा शॉपिंग कर रही है। नहीं नहीं, बड़े खूबसूरत अंदाज में जोड़ रहे हैं इस वक्त जुल्कर नैन हैदर, माइकल जैक्सन तकरीबन उनके हाथ पे चढ़ चुका है। खूबसूरत अंदाज है, आपकी मोहब्बत साथ साथ रहेंगी। हिप 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 हिप, जुल्कर माइकल जैक्सन जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल रह गया कम। मैं चले जा रहा हूं उस तरफ कि मैं आपको टाइमिंग दूं। 1 2 अच्छा जी, तस्वीरें तो अभी तक बन नहीं सकी हैं, इनका जो जो हशर हुआ वो मैं दिखा देता हूं। हाँ जी, ये पीस जो है इधर का उधर आ गया, उधर का इधर चला गया। आप बताएंगे किसने ज्यादा तस्वीर जोड़ी है, जरा इधर करके दिखाइएगा भाई जी, इनको दिखाइए, ऐसे उठा लीजिए इसको जरा यहाँ से प्लीज। आप जरा दिखाइए भाई, आपने क्या हशर किया माइकल जैक्सन का, ये देखिए। आपके हिसाब से किसने सही तस्वीर को कंप्लीट किया,
इधर ओके। इस वक्त हमारा पहले राउंड का जो जिक्सो पजल था वो राउंड जीता है हमारी फिल्म की टीम ने, नंबर हो गए 50। अब हम आपको एक गेम खिलवाएंगे। गेम क्या है कि हम आपको देंगे मटर, उसे आपने छीलना है। जो सबसे ज्यादा मटर को छीलेगा उनकी छिलके हम एक तरफ रखते जाइएगा, वो छिलके हम काउंट करेंगे। हाँ जी, हम आपको टाइम देंगे, जिनके छिलके ज्यादा होंगे वो पार्टी विनर होगी। इसमें दाने डालने हैं, छिलके एक तरफ रखने हैं, वो हम गिन लेंगे बाद में। ओके जी, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। 1 2 3 स्टार्ट। आज पता चलेगा ना सब्जी का क्या भाव है। क्या बात है, देखिए आप इनके हाथों में मटर भी अजीब लग रहे हैं। इधर देखें जुलकर नैन हैदर, तो लगता है घर में सब्जी पकाते हैं, जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। क्या भाभी देख रही हैं आप, इससे मटर ही छिलवा लिया करें। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह खैर। नैना जी दो 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 छीले आपने, मैंने देखा। जल्दी स्पीड रखें, टाइम देने लगाऊं। हाँ जी अल्लाह खैर, सब दाने कहाँ फेंक रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, दाने दाने पे मोहर है, ये जरूर रखिएगा ध्यान में। हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, ये भी मानेंगे, दरमियान में था ना ये। ठीक है छिलके गिनो। हाँ जी मैं गिनूंगा, कोई बेईमानी नहीं होगी भाई। ये इसमें तो मटर हैं अभी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। यार ये दो टुकड़े कर दिए, कभी ऐसे में दाना होता है, इसका ऊपर के कहाँ है वो। 17 17। हाँ जी हाँ जी, नहीं इसको लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। राउंड नंबर 1 50 नंबर हासिल किए हैं हमारी टेलीविजन की टीम ने, 50 नंबर फिल्म की टीम ने, यानी दोनों ने बराबर नंबर हासिल किए। दूसरा राउंड, दोनों टीमों से तीन तीन सवालात पूछेंगे हम जी। इन सवालात में आप नंबर्स बताएंगे बॉक्स की, बॉक्स में सवाल है, जो आप नंबर बताएंगे उस सवाल को पूछा जाएगा आपकी मुखालिफ टीम से, वो जवाब देंगे। राइट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप नंबर बताएंगे, फर्स्ट नंबर आप बताएंगे। नंबर थ्री पाकिस्तान की, जवाब आप देंगे पाकिस्तान की उस फिल्म का नाम बताएं, फिल्म से मुतालिक सवाल है, आप ही के शोभा है। पाकिस्तान की उस फिल्म का नाम बताएं जिसको चीनी जबान में, चाइना में, चीन में डब करके चीन में रिलीज किया गया और उसने वहां रिकॉर्ड बिजनेस किया। बहुत सी फिल्में, एक फिल्म का नाम बता दें। पलकों की छांव में है। पलकों की छांव में भी हुई थी। मुट्ठी भर चावल। हाँ मुट्ठी भर चावल। शायद कोई और। शबाब ग्रानी साहब की एक पिक्चर थी, आपने दो का नाम लिया, एक और नाम। मेरा नाम है मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। आपका एक सवाल ठीक हुआ, नंबर आप देंगे सर। नंबर थ्री तो हो गया भाई, थ्री हो गया तो फिर नंबर फोर करो जी। नंबर फोर हाँ जी, टेलीविजन के तीन ऐसे ड्रामा राइटर्स के नाम बताइए जो कि शोबाए तालीम से भी मुंसलिक हैं। दिलदार परवेज भट्टी। अमजद इस्लाम अमजद। राइटर्स प्ले राइटर्स का क्या? राइटर्स अमजद इस्लाम अमजद, दिलदार परवेज भट्टी और नईम बुखारी। अमजद इस्लाम अमजद सही नाम था, हम दिलदार परवेज भट्टी साहब मरहूम को अल्लाह उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, हम उन्हें भी शामिल है सही जवाब में। ड्रामा राइटर्स का पूछ रहे हैं। हाँ हाँ ड्रामा नवीज राइटर्स जो होते हैं। दो नाम हमने आपके सही मान लिए, एक नाम और दे दीजिए, आपके सवाल सही माना जाएगा। गिनती करूंगा, टाइम बहुत दे दिया। सलीम चिश्ती साहब। हाँ जी है? सलीम चिश्ती वो भी रहे हैं तालीम में। नहीं नहीं सही जवाब नहीं दिया,
आपका एक सवाल ठीक है, आपका एक सवाल ठीक है। अब नंबर आप बताएंगे। पांच। नंबर पांच, नंबर पांच, नंबर पांच, टेम्पो बनाए। मशहूर फिल्म, मशहूर फिल्म है पाकिस्तान की, जो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, शहीद। इसके मुसन्निफ रियाज शाहिद थे। हिदायतकार का नाम बताएं। खलील कैसर साहब। ओके, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। हाँ जी, आपने चार हुए जिसमें से एक का जवाब आपने सही दिया है और एक का जवाब आपने सही दिया है। एक जारी रहती है। आइए, अब आपकी तरफ है। आप नंबर बताएंगे। नंबर फाइव। नंबर फाइव, नंबर दे दीजिए। आप जवाब देंगे। एक पुरानी फिल्म है बेली, इसकी हीरोइन का नाम बताइए। इनके शोहर भी अपने वक्त के मशहूर अदाकार थे। सबिया खानम। सबिया खानम, जवाब दुरुस्त हुआ। सबिया खानम ना। हाँ जी, आप नंबर बताएंगे। आप नंबर बताएंगे। दो रह गए। दो नंबर आप बताइए। पाकिस्तान का पहला निगार अवार्ड किस अदाकार ने हासिल किया? ये आसान सवाल किया है। पाकिस्तान का पहला निगार अवार्ड मेल में या फीमेल में? दोनों में आजादी, मेल फीमेल नहीं, वो एक्चुअली भी चलेगा। तो पूरी पूरी टीम को सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें से किसी एक का नाम बता दो। आप बता दीजिए कि कौन से अदाकार हैं जिन्होंने एक साथ पाकिस्तान में पहली मर्तबा चार निगार अवार्ड एक ही फिल्म में हासिल किया? उमर शरीफ। जवाब दुरुस्त है, इतनी सी बात थी। ऐसे करो ना, अब हुआ यह है जी कि दो सवाल के जवाब आपने सही दिए, दो के जवाब आपने ठीक दिए, ठीक है जी। इसलिए 100 में से 50-50 नंबर जो है वो हम आपको दे रहे हैं, राइट? इंसाफ है जी, इंसाफ है। ओके, दोनों के 100-100 है जी, बराबर। दोनों टीमों के 100-100 है। राउंड नंबर 3 में हम दोनों टीमों को मोती देंगे, मोती, ठीक है? ओके, मोती देंगे आपको। वो मोती और सुई धागा आपके साथ होगा। एक खास टाइम में आपने उस मोती और धागे में मोती पिरोने, राइट? One, two, three. हाँ जी सर, वाह जी वाह। ये देखो ना, आप खवातीन इसमें नंबर ले जाएंगी, मैं बता दूं आपको। लड़ियां पुरोने में खवातीन का जवाब नहीं होता। खवातीन जो खुद घर की लड़ियों को पुरोकर एक माला बनाती है, जिसे हम फैमिली कहते हैं, आज हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या करेंगे। दोनों लगे हुए हैं, अलग ही रहमत है। शाबाश जी, शाबाश। हाँ जी, स्टार्ट, टाइम देने लगा हूं आपको, जरा फुर्ती करिए। इनकी सुई खराब। हाँ जी, इनकी सुई को क्या हुआ? कोई बात नहीं, खींचे 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 खींचे, एक एक करके करें ना। आपने तो 300 मोती एक साथ डाल दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो सुई में है वो काउंट होंगे, राइट? जो सुई में है वो काउंट होंगे, यस। हाँ जी, टाइम। गिनती करें, गिनती करें साथियों। हाँ जी, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस, बाईस, चौबीस, छब्बीस, अट्ठाईस, तीस, बत्तीस, चौंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, 38। आया कितने? 30। Are you sure? Yes, I'm sure. Oh my God. 30 and 38, winner. कोई मसला नहीं है जुल्करनैन हैदर, अभी एक राउंड, राउंड का दूसरा हिस्सा बाकी है। नो प्रॉब्लम। अब हम आपको दोनों टीमों के सामने दूसरा गेम पेश करेंगे। आपने जीता यह हिस्सा एक, अब रह गया दूसरा हिस्सा, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। अब हम आपके सामने रखेंगे मोमबत्तियां, ठीक है? क्षमा। यस बॉस, अब ना कोई परवाना इधर आएगा, तेरी महफिल से दीवाना चला जाएगा। यहां मोमबत्तियां होंगी, एक खास डिस्टेंस से आपने मोमबत्तियों को बुझाना है, लेकिन उसके करीब नहीं जाना, दूर से। ओके जी, शुरू करें। 1, 2, 3। आहा, देखते हैं आज कौन चिराग जलाते हैं। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर के खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। ऐसे दीप जलने चाहिए पूरे वतन के अंदर, मोहब्बतों के दीप रोशन करने चाहिए हमें और आपको। हाँ जी, हाँ जी, आहा आहा। Hey!
आपके ख्याल में पहले कौन? आपके ख्याल में पहले कौन? राउंड नंबर थ्री के 50-50 नंबर दोनों टीमों ने हासिल किए। मोती वाला सेक्शन आप जीते हैं और ये मोमबत्तियों वाला आप जीते हैं। इस तरह आपके भी हो गए 150 और उनके भी हो गए 150। दोनों टीमें टक्कर पे चल रही हैं, दोनों के 150 नंबर्स। राउंड नंबर चार, आप में पूरे सवाल को मेरे सुनना है। सवाल का जवाब, सवाल पूछने के बाद मैं हाथ ऐसे कर दूंगा, इट मींस सवाल खत्म हो गया। तो आप इसके बाद जो भी घंटी पहले दबा देगा, घंटी की आवाज आप भी सुनेंगे, लाइट भी देखेंगे, आप पे फैसला किसने पहले बजाई वही जवाब दे। दो तीन आपको इशारे दूंगा, उन इशारों में आपने शख्सियत को पूछना है, ठीक है जी? ओके, राउंड नंबर फोर हम शुरू करने लगे। छूमंतर फिल्म, छूमंतर तमगाए खिदमत 1965, नाम बताइए। मुसर्रत नजीर। आपको चांस दिया जाता है। एक मिनट, इसमें नेगेटिव तो नहीं मार्किंग होगी? नहीं। अच्छा, गलत जवाब पे माइनस नहीं होगा? नहीं। क्या है छूमंतर और दूसरा? अभी इतने सारे दोबारा इतना होगा। तमगाए खिदमत 1965, छूमंतर फिल्म का नाम। हाँ जी, शमी मारा। ना जी, जवाब गलत। सोरेन लता। मलकम, मलकाए तरन्नुम नूर जहां। मलकाए तरन्नुम नूर जहां थी। हाँ जी, कोई जवाब नहीं दे सके, सवाल जाया हो गया। आप दोनों तवज्जो से सुनिए, इशारा शख्सियत के लिए। मुसन्निफ, मुसन्निफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इंसान और आदमी। शबाब किरानी। शबाब किरानी साहब। किसने पहले दबाई घंटी? मुझे पता चला इन्होंने। आवाम क्या कहती है? आवाम कह रही है इन्होंने। ओके, माना गया आपका जवाब दुरुस्त हुआ। थैंक यू। इशारे, कुर्बतें और फासले, जामे, कुर्बतें और फासले, नंगे पांव, धूप किनारा। पहले मेरी बजी बैल। हाँ हाँ, जवाब दे दें। राहत काजमी साहब। राहत काजमी। ड्रामा शीजी, शीजी, चांद ग्रहण, रूसा। शकील। सोहेल असगर। शकील। अब मैं पहले से कह देता हूं, अदाकार का नाम बताएं जी, ताकि आपको पता चले क्या बताना है। अदाकार का नाम बताएं। कंगन, चंदा, दर्शन। रहमान। रहमान। राउंड नंबर फोर 100 नंबर का था। एक सवाल का जवाब सही दिया है हमारी फिल्म की टीम ने, 1, 2, 3, 4 जवाब दिए हैं हमारी टेलीविजन की टीम ने, 100 नंबर के हकदार पाए। हाँ जी, टोटल तो बताते नहीं क्या हो रहा है। टोटल हो गया आपका 150, इनका 250। अब हमारा राउंड नंबर 5 है, ये बड़ा दिलचस्प है, आप इसमें बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा ये म्यूजिकल हमारा राउंड है, राउंड नंबर 5। इसमें हम कुछ गीत जो हैं वो अपने दोनों टीमों को, गीतों के पहली पहली लाइन आपको सुनाएंगे, बाकी का गीत आपने वहां से शुरू करना है। आपको गीत थोड़ा सा बताता भी जाऊंगा कि ये कहां से है। फिल्म है बंदिश, गाया इखलाक अहमद ने है, नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ, साथ में शबनम। गाया किसने? गाया किसने? इखलाक अहमद साहब। चलिए, गीत है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे तू छोटा सा घर तुझको दूंगा। वो पीछे जो छोड़ के उसका क्या होगा? जवाब सही मानना चाहिए। तालियां जो बता रहे आप मुझे भरपूर तरीके से मान ले। दूसरा गाना तवज्जो से सुनिए। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा,
किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। ओके, एक आपका माना गया सही। आइए, किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, दिन की तड़क दिन की तड़कता, किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, किसने चुराया तेरा प्यार हो, हाँ, किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, किसने ठुकराया तेरा प्यार हो, अगला गाना। ओके, तो इसको हम जवाब को दुरुस्त तो नहीं मानेंगे, तो नहीं कहा तो है और क्या सही था। आपकी तरफ आते जी, ऐसे कर लेते हैं, आपसे पूछते हैं डायरेक्ट जी, गीत है, आपने इसको कंप्लीट करना है, मेहदी हसन साहब का गाया हुआ गीत है, फिल्म जाग उठा इंसान में ये गीत वहीद वराज साहब पे पिक्चराइज हुआ था, जेवा भाभी के साथ, गीत की बोल है, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है फूलों से कम नहीं, ढोला तेरे पीछे पीछे आउनिया, ढोला तेरे पीछे पीछे आउनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पौनिया, बिल्कुल मुझे गाना भी तो आता हो ना। चले, मेरा वतन चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरा वतन वाकई में चांद है, फूल है, सितारे हैं, धरती का हर इंसान हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। हमारा फलसफा यही है कि लोगों से इंसानों से मोहब्बत की जाए। प्रोग्राम में इस राउंड नंबर 5 में दोनों टीमों ने बराबर बराबर गीत गाए, बराबर बराबर नंबर दिए, ये कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक तफरी है और एक जहनी मश्क है, तो हमने दोनों को 50-50 नंबर दिए। ओके, थैंक यू। आप क्या कहते हैं, आपके हाथ क्या कहते हैं? ओके, दूसरा इसमें खेल जो है वो हम आपके सामने खेलेंगे, दोनों टीमों को खाने के लिए जो है कुछ चीजें दी जाएंगी ताकि आपकी पेट पूजा भी हो सके। ले आइए समीना जी और जरा देखिए कि फनकार खाते कैसे हैं, आपको आज पता चले। 1 2 3 गो म्यूजिक फास्ट। आधा टाइम चीटिंग नहीं होगी, आप खाओ आ जा भाई। ओहो हाँ, अब ये प्लेट रह जाएगी। आहा शाबाश दुलकर नैन हैदर, वेरी गुड, अल्लाह खैर, अल्लाह। कम से कम जीतने का जज्बा तो है। नाइस नैना, शाबाश, खाओ 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 खाओ, खाइए खाइए प्लीज, खाइए खाइए। गो म्यूजिक फास्ट, कम ऑन, आप भी शामिल हो जाइए। यार खाओ, मुकाबले में आओ, वलीमे में आओ, कमान चुकी, गो।
क्या मान चुकी आज शाम हाथ से खा लो 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 और रह गया रह गया ना नहीं रह गया रह गया हाँ 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 ओ ओ फसना नहीं कोई सफाई नहीं करेगा यहाँ पे शाबाश कमा ओके फिनिश आप करेगा आप करेगा हाँ टाइम टाइम दे रहा हूँ टाइम वन मैंने बगैर देखे कह दिया कि जुल्कर नैन हैदर की टीम जीत चुकी है बगैर देखे कह दिया मैंने राउंड नंबर 6 की तरफ आते हैं स्कोर हो गया 200 350 350 थैंक यू थैंक यू अपनी वाइफ के साथ मैच देखने आए हैं ग्राउंड में क्रिकेट का हॉकी का मैच हॉकी का मैच हॉकी का मैच हो रहा है लेकिन आप अब इसमें हम सिचुएशन को रिवर्स करते हैं जो लड़की है वो लड़का है जो लड़की लड़की है वो लड़का है अच्छा मैं लड़की हूँ आप लड़की हैं ये लड़के हैं आपने लड़के का हस्बैंड का पार्ट प्ले करना है आपने वाइफ का करना है मैं इनके साथ गई हूँ हॉकी मैच देखने आप इनके साथ देखने आई हैं लेकिन लोग आपको देख रहे हैं जिसकी वजह से ये जेलस हो रहे हैं जो कमेंट्री कर रहा है वो भी बार बार आपका जिक्र कर रहा है उसकी वजह से शोहर को गुस्सा चढ़ रहा है शुरू कीजिए 1 2 3 के बाद 1 2 3 हाँ जी समीर कैसी गेंद फेंकी है देखा आपने देख रहा हूँ बड़ी अच्छी तरह से और तुम्हें भी देख रहा हूँ मैं क्या हो गया आपको तुम घर से एक दफा बाल बनाकर नहीं आ सकती मैं इतने दिनों के बाद तो निकली हूँ आप फिर भी मुझे झड़ते चले जा रहे हैं अब अगर स्टेडियम में लोग हॉकी का मैच नहीं देख रहे मुझे देख रहे हैं तो उसमें मेरे हुसन का कमाल है आपका क्या है होते चले जा रहे हैं तुम्हारे हुसन का कमाल मैं इस वक्त यहाँ कुछ कह नहीं सकती आप घर चलिए मैं फिर बताऊंगी आपको घर तो तू जुम्मे जुम्मे जो मैं आपके साथ हशर करती हूँ ना इस जुम्मे वही हशर होगा आपके साथ इस जुम्मे अब मैं तुम्हारा हशर बाहर निकल के आप इस तरह से करते हैं ना बड़ा खूबसूरत मैच है आप देखिए कुछ क्या होगा आपको बड़ा खूबसूरत सलीम खान के लिए जा रहे हैं एक खातून अपने शौहर से लड़ रही है मुझे गुस्सा चढ़ गया मैं गाड़ी में ही शुरू हो जाऊंगा गाड़ी से चलिए उठिए चले छोड़ दे मैच को गाड़ी में नहीं लेके जाऊंगा इस बार तुम्हें धक्का दूंगा गाड़ी से नीचे गाड़ी में बिठाकर आगे सीट पर अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे किसका रिश्ता आ रहा था जावेद शेख का रिश्ता आया इमरान खान का रिश्ता है सबको छोड़ के मैं पता नहीं क्यों आपके साथ आज तुम्हारी अम्मा ही आई थी हमारे घर में हमारी बेटी बैठी है हमारी बेटी भेंगी है ले लो अल्लाह के वास्ते बहन इस बच्ची की उम्र भी बीती जा रही है कहाँ पे आऊंगी अब मैं इस उम्र में इसको तुम्हारी अम्मा हमारे घर आई थी उस मेरी आंखों की तारीफ होती थी अब मैं भेंगी हो गई हूँ तो ले आओ कोई दो आंख वाली ले आओ दूसरों से आंखें लड़ाओगी शोहर को छोड़ के तो महंगी नहीं होगी तो और क्या होगी दिमाग खराब हो गया अच्छा छोड़े रहने दे आपको तो रोज देखती हूँ हॉकी का मैच देखने दे हनीफ कितने खूबसूरत तरीके से खेल रहा है देख रहा हूँ उसको मैं बाल उड़े हुए हनीफ के सारे सर के इससे अच्छा तो मैं किसी और के साथ आ जाती किसी और के साथ आ जाती टाइम खत्म थैंक यू वेरी मच थैंक यू खूबसूरत सिचुएशन आप बैठेंगे ये तो थी नैना और जुल्करनैन हैदर जिन्होंने सिचुएशन के ऊपर परफॉर्मेंस किया अब रहते हैं अयाज और शाहिदा जी आइए तशरीफ लाइए हम आपको सिचुएशन देंगे सिचुएशन हम आपको देते हैं कि ये शौहर अच्छा वाइफ है हैं जी कलील तनख्वाह है गुजारा नहीं होता इस औरत का जिसकी वजह से ये औरत 4 बच्चों के साथ 1500 रुपये में गुजारा नहीं कर सकती अच्छा हमारे मुल्क के घर घर के मसाइल हैं वो औरत की ये पैरवी करेंगे और आप एक वो शोहर हैं जो कहते हैं कि 1500 में ही गुजारा कर सिचुएशन ये है ओके 1 2 3 1500 में से तू 1200 की तो सिगरेट पी लेता है 300 में मैं बच्चों का कैसे गुजारा करूं 4 बच्चे हैं दूध कहाँ से आएगा अगर अब्बा ना हो तो वो ये 700 रुपया ना दें तो वो दूध का खर्चा कैसे पूरा मेरा जिक्र मैंने हला 1500 दिया लेकिन तू जिक्र ना कर बोलती क्यों नहीं है क्या बोलूं मैं हाँ? सारा दिन काम कर करके थक हाँ? जाता हूँ सारी तनख्वाह तुम्हारे ही तो हाथ में लाकर रखता हूँ तुम तो अपनी शॉपिंग से फारिग ही नहीं होती क्या करूं मैं कहां से लाऊं इतने सारे पैसे शॉपिंग मेरे अब्बा करवाते हैं हाँ? समझ आई ना तो मेरे पैसों का क्या करती हो तुम दूध
दूध इतना दूध पीती हो कि फिटने वाली हो मैं नहीं पीता तुम्हारे बच्चे मैं नहीं पीती तुम्हारे बच्चे पीते हैं तू भी पीती है बेटी मैंने देखा झूठ ना बोल अल्लाह को मुंह दिखाना बेटा कहां से लाऊं मैं इतने पैसे दामाद मियां तुमने दूसरी शादी तो नहीं की भी ना अभी नहीं की लेकिन शायद कर लूं देखो तुम करना ना फिर मुझे ना भूलना ठीक है मुझे बुलाना जरूर मैं देखूंगा मैं नहीं भुलाऊंगा बोलो क्या बोलती हो तुम बेटी बोल फैसला लेना क्या चाहते हैं आप सिगरेट पीना छोड़ दें या फिर ये है कि क्या पीना छोड़ दिया है मेरी बच्ची बीमार है सिगरेट पीना छोड़ दें या दूसरी शादी कर लें क्या बच्चे बीमार हो रहे हैं या आप दूसरी शादी कर लें या सिगरेट पीना छोड़ दें मैं तो सिगरेट नहीं पीता सिगरेट तो तुम पीती हो मेरी बच्ची पे इल्जाम हुक्का पीती है वो इसका हुक्का बंद कर दिया जाए हुक्का पानी इसका हुक्का पानी बंद किया जाता है टाइम खत्म हुआ थैंक यू वेरी मच तशरीफ रखिए प्लीज आप बताएंगे फैसला आप पर होगा कि इस राउंड का फैसला मैं हाथ के इशारों से आपकी क्लैपिंग से अंदाजा लगाऊंगा आइए इस तरफ चलते हैं क्या ये क्या ये फैसला आपका था जीत आपकी हुई 50 नंबर तशरीफ लाइए जुल्कनैन हैदर आइए चलते हैं प्रोग्राम को आखिरी लम्हों की तरफ लेके जाता हूं खोलें इसे अल्लाह हो एक सिचुएशन दूंगा आपको मैं ये नाम पढ़ लिया आपने इस नाम को साइलेंटली आपने इनको कन्वे करना है और आपने कन्वर्ट इनको कन्वे करना है आपने इनके इशारों से अंदाजा लगाना है कि कौन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर आर्टिस्ट हैं अदाकार हैं ये इशारों से आप समझेंगी जजीज आप हैं हिप 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 हां जी आइए आप नहीं बताएंगे आप बोलेंगी रंगीला रंगीला एस जी आइए एस जी में इतनी फुर्ती है आप देख रहे हैं मैं इनका कायल हो गया हूं फुर्ती का हाँ जी आपने इनको पहचानना सेम थिंग बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है और हॉलीवुड का कैरेक्टर है ठीक है आप शुरू करें हाँ जी आइए ऑडियंस में से प्लीज ना बोलिएगा हाँ जी हाँ जी मुझे समझ आ गई है चार्ली है लेकिन शोर बहुत पड़ रहा है हम जवाब दुरुस्त मानेंगे इसलिए कि उन्होंने एक्सप्रेशन सही दिए हैं ठीक है जवाब दुरुस्त लेकिन आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए हमेशा हाँ जी अब हमारे नंबर्स जो हैं वो आपके सामने पेश कर दें कि इस वक्त राउंड में कितने किसके नंबर्स हैं 400 नंबर हैं हमारी टेलीविजन की टीम के 400 इनके हैं 250 आपकी तालियां बताएंगी कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा यहां तक आपकी तालियां आपकी मोहब्बत है आर्ट एंड विजन की जानिब से जीतने वाली टीम को खूबसूरत ट्रॉफी थैंक यू ये आपके लिए थैंक यू वेरी मच तालियां आपकी मोहब्बत साथ साथ चलिए हिप 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 इधर भी आइए प्रोग्राम की तरफ शायदा जी आपके लिए आपकी आमद का शुक्रिया नजराने के तौर पर थैंक यू वेरी मच आपके लिए आयाज जी प्रोग्राम देखने सुनने बर्दाश्त करने का शुक्रिया उमर शरीफ को इजाजत दीजिए अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम हिप हिप कौन जीते कौन हारे आओ मिलके देख सारे टीवी और फिल्मी सितारे हिप 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 हिप
कौन जीते कौन हारे अमृत के देख सारे टीवी और फिल्मी सितारे।